हम लोग मेहंदी फंक्शन हम लोग के साथ फोटो लेना चाहते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल पल्लवी सोनी ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, शादी वाला सीजन स्टार्ट हो चुका है और शादी वाला सीजन स्टार्ट हो आप लोग शादी में जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड की मेहंदी में। जी हाँ, मतलब इतना कोई नहीं बुलाता है, मुझे लगता है इतना उसने बुलाया है, इतना बुलाया कि आना है। मतलब आज उसकी मेहंदी है बट उसने मुझे लग रहा है 4 से 5 वाली हम लोग को कॉल कर दी है, आओ कब तुम लोग आओगी। तो काफ़ी क्लोज टाइप में हम लोग हो गए, क्लोज फ्रेंड हो गए। ये हम लोग ऐसी फ्रेंड नहीं है कि हम लोग क्लास गए हैं, कोचिंग क्लास ये सब वाली फ्रेंड नहीं है, बट है बहुत अच्छे वाले। बट मैं उनको दीदी बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे से बड़ी है, तो मैं उनको दीदी बोलती हूँ। सो आज उनकी मेहंदी है और हम लोग चलते है उनकी मेहंदी में और मुझे लगा आप लोग के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। शादी वाले सीजन में आप लोग के साथ ब्लॉग ना बना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे बात करते हैं कैसे क्या होता है। बाय बाय। चुके हैं हम लोग मेहंदी फंक्शन में और ये है ब्राइडल। हेलो। हम लोग को सुबह से भाई साहब इतना कॉल आ चुका है, इतना कॉल कि हम लोग क्या ही बताएं। वैसे तो मेरी तबीयत खराब थी बट आना पड़ा इनके चक्कर में। देखिएगा, इनके चक्कर में आना पड़ा क्योंकि बहुत प्यार से बुलाई थी और बेचारी चली भी जाएंगी। बहुत सुंदर लग रही है गाइस ब्राइडल और पहले से ही देखो फोटो शूट करवा लिया। अभी मैं दूल्हे को रिवील कर दे रही हूँ, ये देख लो आप लोग। सो यहाँ पे हम लोग आ गए बटालियन 4-5, ये सारी फ्रेंड ही है एक का कोई फ्रेंड नहीं, हम सभी फ्रेंड है, ऐसा बॉन्डिंग ही है हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं इसलिए ब्लॉग को बंद कर दे। क्या सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं इसलिए ब्लॉग को बंद कर दे। कैमरे वाले भैया है बट मेरे पे सब लोग ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। बड़ी बढ़िया लग रही है जी, कैसा लग रहा है जी आपको? चलिए दीदी, यहाँ पे डांस कौन डांस करेगा? सब लोग डांस करने के लिए बोल रहा है बट ये सब किसी बैठने आई है, ये तो पूरा बैठने आई है। यहाँ पे डांस वाला पूरा माहौल जम चुका है। The next day. पहुंच चुके हम लोग अपनी फ्रेंड की शादी में। एक दिन मेहंदी का हम लोग गए थे और अब हम लोग आ गए हैं शादी में क्योंकि उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। सबको डाउट लग रहा है यही मैरिज हॉल है क्या दिन है। आज हम लोग का आउटफिट मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाऊंगी, बहुत ही अलग अलग तरीके से। तो हम सभी आ चुके हैं एंड भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो सारे लड़कियाँ आ चुकी हैं, आ चुके हैं हम लोग वेडिंग शादी में और शादी में तो मुझे लग रहा है भीड़ है। ये देखिए गाइस, लोग तो ऐसे उमड़े हैं, लग रहा है कि कहाँ भोज चल रहा है, ऐसे लोग उमड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा।
ये लड़के का भाई हम लोग के साथ फोटो लेना चाहते हैं। देख सकें देख सकें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग का जितनी भी बहन लोग का कॉस्ट्यूम है ना, मतलब ड्रेस, मैं बता रही हूँ हम तो पूरा लग रहे कि हम मेहंदी में आए हैं, ये लग रही है कि पूरा हल्दी में आई है, और ये लग रही है कि पूरा संगीत में आई है, और ये लग रही है शादी वाला लुक है, और इनका लग रहा है रिसेप्शन पार्टी। तो हम लोग हर चीज का कमी पूरा कर दिए। सारे लोग का एक फंक्शन में हम लोगों ने सारा चीज कर दिया। और ये लोग लग रहे हैं मिक्स। चप्पल दिखा तो चप्पल इतना भीड़ में कोई किसी को नहीं जा रहा है गाइस, क्या मतलब किसी को खाना। आप अपना माइक क्यों छोड़ देती है गाइस? हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी भीड़ में हम लोग के लिए खाना बचेगा, तो फटाफट पहले खाना खाते हैं। चलो हम मत यही करें क्या शान का कुछ खाना एक चैलेंज वीडियो की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में हम लोग कुछ नहीं। ये देखो सब टूट पड़ी खाने के लिए। क्या है ये? क्या है? चाट है। चाट कैसा है टेस्ट? यहाँ पे चाट खाने में 40 मिनट की तरह लग रहा है, सब इतना भीड़ है कि मिल जाए वेट करें। देख सकते हैं आप सब ये चौमीन ये है मीठा दूध। सो गाइज यहाँ पे हम लोग चाट वाट खा रहे थे, तभी कैमरे वाले भैया ने बोला कि आप लोग का लाओ पिक ले लेते, तो हम लोग वही सब लोग खड़े हो गए थे। वैसे तो हमारी पूरी फैमिली को बुलाया गया था ये शादी में, बट कुछ लोग हमारे कजिन की शादी में चले गए थे। बट गाइज एक चीज मैं बता दूँ, कुछ रिश्ते अपने होकर भी अपने नहीं होते, बट कुछ रिश्ते अपने ना होकर भी इतने अपने होते हैं ना कि क्या ही बोला जाए उसके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि खाने के मतलब बहुत ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ था। जैसे तैसे हम लोगों ने पहले खाना लिया कि खाना खाकर फ्री हो जाते, उसके बाद हम लोग फोटो वोटो लेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा, जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ इतना भीड़ था। और आगे आप लोग देखो हम लोग क्या क्या करते, बहुत ज्यादा इंजॉय भी किया, बहुत मजा। A few moments later. खाना वाना हमारा हो गया भाई साहब, इतना भीड़ की मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जो दूल्हे राजा भी है वो सासाराम के ही है, दुल्हन भी है वो भी सासाराम के ही है, तो काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग, मतलब खाना खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट हम लोगों ने सोचा कि पहले खा वा के हटा लेते हैं टेंशन, वरना फिर बाद में वो हो जाएगा और बाराती आ जाएगा, तो अभी बारात आया नहीं है। और मेरी तबीयत एकदम ख़राब है, जैसे मैं आप लोगों को लग रही हूँ सजी तजी, बट मैं सजी तजी हूँ, अंदर से मेरा पूरा मन ख़राब है, मुझे खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था, और तो अंदर से फीवर है, तो बस इतना जो है ना खुशबू थी वो इतना फोर्स की है ना, हम लोग को नहीं आते तो मतलब ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी हो जाता, तो आना पड़ा। यहाँ पर सब लोग फ़ोटोशूट करवा रहा है, फ़ोटो वोटो ले रहा है। सो बस आप लोग ब्लॉग को इंजॉय करो, देखो कैसे क्या होता है आगे, और दुल्हन को दिखाएंगे, दूल्हे राजा को देखते हैं। काफ़ी लेट हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतना देर तक रुक पाएंगे, क्योंकि ठंडा की रात है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। तो बस यहाँ पर सब लोग फोटो वोटो ले रहा है, तो अभी देखते हैं। सब्सक्राइबर मिल रहे हैं गाइस, मेरे साथ साथ मौसी के भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, या पल्पी सोनी की मौसी है ना, हम बोले हाँ हाँ, मतलब मेरा कतरे देखो गाइस, मुझे फीवर आ गया गाइस, इसलिए मेरा मूड खराब हो रहा है। हम लोग जगह लुटे बैठ गए।
सो गाइस खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग आके बैठ चुके थे जयमाल देखने के लिए, बट मैं अपना फीवर चेक कर रही थी क्योंकि मुझे फीवर बहुत तेज हो चुका था, लग चुका था। अब मेरा कुछ चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बस लग रहा था कि शांति से बैठ जाए कहीं और बस। तो मैंने खाना भी बहुत कम खाया, सारा खाना मेरा वेस्ट चला गया। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे, बारात भी आ गया था, अब हम लोग वेट कर रहे थे जयमाल देखने के लिए। तो आ गए आप लोग, देखो आप लोग अब इंतजार खत्म और दिखाते एकदम खूबसूरत दुल्हन को। मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से दिखा दे रहे हैं, वरना फिर स्टेज पे तो इतना भीड़ हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। आइए खड़ा हो जाइए। अच्छा गाइस गाइस आप लोग भी मत होना। ये देखिए, हेलो, ये दुल्हन। हमको बहुत रोना आ रहा है गाइस, चली जाएंगी क्योंकि इनके साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत खतरनाक वाला बन चुका था, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और इतना बुलाए हैं कि हाँ, ये बातें सासाराम में ही है, मोहल्ला टुअल्ला मार्केट में मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो वोटो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को जयमाला वगैरह दिखाते हैं, दूल्हे राजा को दिखाते हैं, दूल्हे राजा को देख कर जाना गाइस, ठीक है। और पल्लवी सोनी ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब, इतने प्यारे दुल्हन को दिखाने के लिए सब्सक्राइब। जी हम व्लॉग बनाते हैं, चलते हैं ये सबका शादी कराने वाले हैं फ्यूचर में। प्रणाम पंडित जी, 1100 रुपया। गाइस पंडित जी रात भर शादी करवाएंगे गाइस। अब हम लोग चल रहे घर घर, ये है मंडप। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जयमाल हो गया और हम लोग जा रहे घर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मैं अपना मतलब इंजॉय नहीं कर पा रही गाइस, पता नहीं क्यों मुझे फीवर चढ़ते जा रहा है। पहले जाके दवाई खाऊंगी और रेस्ट करूंगी। शादी में आने का मूड नहीं था, बट होता है ना कभी कभी कोई इतना फोर्स कर देता है कि ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। तो हम लोग आ गए, तो अब चलते हैं। अब तो रात भर शादी वादी चलेगा, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल। पल्लवी सोनी ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एंड हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय। मेरी तबीयत की बैंड बज चुकी है, रात के 12:30 बजे मैं चाय पी रही हूँ, पता है क्यों, गले में इतना दर्द ना, और एकदम मतलब पूरा मेरे नाक जकड़ चुके हैं, और मेरा है मेरे साथ साथ नेहा का भी पूरा अंदर से फीवर। और आके गर्म पानी पी, चाय बनाई कि थोड़ा सा चाय पीऊँ तो आराम मिले। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ भाप लेने, ताकि थोड़ा मोड़ा सही लगे, वरना हम लोग कुछ और देर तक रुकते शादी में, बट एकदम हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे मैं तो फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवाई, बस जो भी छोटा थोड़ा मोड़ा हुआ बस वही बना ली, बस बहुत हालत ख़राब है। चलते चाय पीते एंड बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह नहीं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।